हेलो डियर एस्पिरेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जेई मेंस की आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी तो आज जो है हम डिकोडिंग मैथ्स की सीरीज में जो है आपके लिए पार्ट टू लेके आ गए हैं तो पार्ट वन में यार आप लोगों का रिस्पांस बढ़िया रहा ठीक है आप लोगों को सीरीज पसंद भी आई तो यहाँ पे जो है पार्ट टू में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो टफ पढ़ते तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो चैप्टर इतना ज्यादा टफ नहीं है अगर पीछे के उसके जो है कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए ना तो हम क्वेश्चन को इजिली डील कर पाएंगे अब आज जो हम एक टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं ये जेई मेन्स में भी कई बार जो है देखने को मिला इस टाइप के क्वेश्चन तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है वो हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है पूछा गया है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z1 plus Z2 if Z1 is equal to 24 plus 7i and mod Z2 equal to 6 uh, और यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन आपके सामने हैं तो ये चीज जो है हमें निकालनी है अब इस क्वेश्चन को अगर हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करें ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जो है सॉल्व हो सकता है लेकिन हो सकता है मान लीजिए आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि भाई ज्योमेट्रिकली इसको जो है किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें कैसे जो है इसे सॉल्व करें तो आप क्या कर सकते थे आपको सिंपली क्या करना था यहां पे जो है आपको मॉट z2 टू इक्वल टू सिक्स दे के रखा है ठीक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम जो है यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं ये हो गया हमारा सिक्स e की पावर आई थीटा क्योंकि तो अगर हम जो है इसके सामने मॉड्यूलस डालेंगे तो ये क्या है आर ई e की पावर आई थीटा है आर हमारा क्या हो जाता है modulus जो वैल्यू आपकी हो जाती है और थीटा आपका क्या हो जाता है आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो इस तरीके से जो है हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है तो यहां पे हमने Z2 को जो है रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दिया Z1 आपको दे रखा है 24 फोर प्लस सेवन बिना कुछ करे बस मॉट जेड वन प्लस उठा के डाल दो ठीक है तो इसको जो है ये हमारा क्या हो जाएगा मॉट Z1 वन प्लस जेड ये हो गया 24 फोर प्लस सेवन और Z2 हमारा क्या हो गया सिक्स आई थीटा तो इसे हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये हो गया हमारा सिक्स कॉस्टीटा प्लस आई सिक्सा है ना इस तरीके से भी जो है हम इसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो है ये हमारी वैल्यू हो गई मॉड जेड वन प्लस जो है थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं ये हमारा क्या है मॉड जेड वन प्लस जेड टू है आगे अगर हमें जो है इसको फर्दर सॉल्व करना है तो दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दीजिए तो अगर हमने यहाँ पे जो है स्क्वायर किया तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी वाले पार्ट हो गए सेवन प्लस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है ना क्योंकि सिंपली जैसे कि मॉड जेड की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर अगर जेड है हमारा एक्स प्लस आई वाई तो यहाँ पे अगर दोनों साइड जो है हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर टू एक्स स्क्स वाई स्क्र यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो वही चीज जो है हमने सिंपली कर दी और यहाँ पे ये यह क्या हो गया ये हो गया मॉड जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर का स्क्वायर हमारा सिंपली हो गया फाइव सेवेंटी सिक्स सेवन का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी नाइन

प्लस अगर हम जो है फोर्टी नाइन करें तो कितनी हो गई सिक्स ट्वेंटी अगर हम थर्टी सिक्स करें तो ये हो गया हमारा 661, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका टू एटी एट कॉस्टा प्लस एटी फोर साइन थीटा इसमें से काम करते हैं इसमें से जो है हम ट्वेल्व को कॉमन ले लेते ट्वेल्व कॉमन लिया तो ये हो गया ट्वेंटी फोर थीटा प्लस यहाँ पे आ गया हमारा सेवन साइन थीटा अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो एक छोटा सा यार कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका ए थीटा प्लस बी साइन थीटा होती है ना उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वो हमारी क्या होती है माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू हो, हो गई तो यही चीज हम इसमें कर देते तो यहां पे रूट ओवर ऑफ ट्वेंटी फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर क्या हो जाएगा वो हो गया हमारा सिंपली ट्वेंटी फाइव तो प्लस ट्वेंटी फाइव आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस एक्सप्रेशन की और जो है वो मिनिमम वैल्यू हो गई तो जब प्लस ट्वेंटी डालेंगे तो ट्वेंटी हमारा कितना हो गया ये हो गया हमारा थ्री हंड्रेड तो इसकी वैल्यू हो गई नाइन सिक्स किसकी वैल्यू हो गई मॉड ओवर ऑफ जेड वन प्लस होल स्क्वायर यानी कि इसकी अगर हम फिर रूट ले तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है थर्टी वन और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम जो है माइनस ट्वेंटी फाइव डाल दें तो माइनस ट्वेंटी हो गया हंड्रेड थ्रीटी वन माइनस थ्री हंड हमारा क्या हो गया थ्री सिक्सटी वन अब थ्री सिक्सटी वन का जो है अगर हम रूट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी नाइनटीन यानी कि थर्टी वन जो है मैक्सिमम वैल्यू है एंड नाइनटीन जो है हमारी मिनिमम वैल्यू है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बट यार देख रहे हो इसमें अप्रोच जो है काफी लंबा चला गया लेकिन अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज्योमेट्रिकल उतना नहीं नॉलेज था तो उन्होंने जो है इस तरीके से जाएंगे पर यार अगर आपको स्मार्ट तरीके से इसे सॉल्व करना होता तो हम किस तरीके से करते है? उसके लिए आपको जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा जो है नॉलेज होना चाहिए था देखिए मॉट जेड टूकल टू रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है और इसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो जेड इजिकल टू अगर हम x प्लस आई वाई ले तो ये क्या हो जाएगा एक्सक्वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स है ना तो ये सिंपली किसकी इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन तो ये हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन पे सेंटर है आपका और भाई सिक्स इसका जो है आपका रेडियस का यहां पे सर्कल बना हुआ है इस तरीके से जो है ये हमें पता चल गया और यहाँ पे क्या है आपका जेड वन इजिकल टू ट्वेंटी फोर प्लस सेवन आई लिखा है एक इसमें छोटी सी जुगाड़ लगानी रहेगी मॉड जेड वन प्लस जेड टू को जो है हमें इस तरीके से लिख लीजिए जेड टू माइनस ऑफ माइनस जेड वन तो ऐसा क्यों किया है क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमें यह भी पता है कि आपका जो Z2 टू माइनस जेड वन मॉड ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ठीक है ना तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया अब माइनस जेड वन हमें पता है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सेवन आईट और इसको जो है जेड टू को इस तरीके से ही रहने दीजिए ये इस तरीके से हो गया इसका जो है सिंपली एक बार ना फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो हम जो है इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे आपका सबसे पहले अगर हम जो है माइनस जेड वन को करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा माइनस सेवन यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये हमारी क्या हो जाती है काइंड ऑफ रियल एक्सेस और ये हमारी हो जाती है इमेजिनरी एक्सेस इस हिसाब से हम जो है इसमें लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा माइनस सेवन जो है हमारा यहां कहीं पे आ गया मान लीजिए माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा माइनस सेवन इस तरीके से अब यहां पे जो है एक हमारा सर्कल है मॉड जेड टू इक्वल टू सिक्स तो सिक्स का जो है रेडियस का आपका सर्कल बन गया ये कुछ इस तरीके से ठीक है ओरिजिन पे जो है हमारा सेंटर हो गया तो ये आपका हो गया यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोड ओवर ऑफ जेड टू माइनस ऑफ माइनस जेड वन यानी कि ये पॉइंट और सर्कल पे कोई भी है जो हम पॉइंट ले रहे हैं ठीक है क्योंकि जेड टू आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल पे कोई भी पॉइंट तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस और इन दोनों ही पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो वो आपका कहां पे पॉसिबल रहेगा सीधा सीधा जो हम क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है डायमीटर जो कि पास हो रही होगी आपके इस पॉइंट से उस पे हमें मिलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस भी और मिनिमम डिस्टेंस बहुत ही लॉजिकल यार फिगर के थ्रू ही देख सकते हैं ठीक है ना तो यहां पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट में रहेगा और सारी डायमीटर आपकी सेंटर से जाएगी वो तो सीधे सीधा समझ में ही आ रहा है ठीक है ये हो गया और दूसरा जो है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे ये बी पॉइंट तक ये ए पॉइंट से लेकर ये आपका जो है ओ ए ये हो गया मिनिमम और ओ भी हो गया आपका मैक्सिमम तो रेडियस सीधा सीधा समझ में आ रहा है इसका रेडियस कितना होगा ये वाले सर्कल का ये रेडियस हो गया हमारा छ और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमारा कितना होगा तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स कितना हो गया नाइनटीन यानी नाइनटीन हमारा हो गया मिनिमम लीस्ट वैल्यू और अगर हम जो है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव प्लस यहाँ पे रेडियस को कर दे देवेंटी फाइव प्लस सिक्स वो हो गया हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि थर्टी वन तो ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू एक स्टेप के अंदर जो है आपने यार आंसर निकाल लिया ठीक है बस फिगर ड्रॉ किया और आंसर आ गया तो इस तरीके से क्वेश्चन के पीछे की सारे लॉजिक को समझना पड़ता है ये जो ज्योमेट्रिकल ये सब हमारी जो वैल्यूज आती है वो भी किस तरीके से आती है तो ये सब इसी तरीके से आती है ठीक है यूलर फॉर्म से जो है हम किसी तरीके से कन्वर्ट करके हम समझते हैं कि आखिर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो किस तरीके का फिगर बनेगा तो लॉजिक्स यही लगते हैं लेकिन जब स्टूडेंट्स को पता चल जाता है हाँ इस वाली इक्वेशन से जो है हम इस वाले फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करेंगे ये चीज हो गई अब यही कॉन्सेप्ट जो है आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी के थ्रू भी कर सकते थे ठीक है अगर आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी के डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पता है ना तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है यहाँ पे जैसे कि जेड वन माइनस जेड टू जो रहता है साथ ही साथ जो है ये बड़ा रहता है किससे तो हमारे Z2 -Z1 से और इसके आगे लग गया तो Z1, Z2 जो भी बड़ा होगा हमें जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेके चलना है। ठीक है ना इसलिए मॉड्यूल्स लगा दिया ताकि पॉजिटिव वैल्यू मिले तो इस तरीके से इसका यूज करते तो भी आपका सिंपली हो जाता है वही वाली जुगाड़ लगा देनी थी बस एक बार जेड टू माइनस ऑफ माइनस Z1. इस तरीके से लिख लिया और फिर यही वाले एक्सप्रेशन तो 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 ट्राइंगल इनक्वलिटी भी ना उसी जो है फिगर के थ्रू ही आई है सेम ही चीज कहना चाहता है ठीक है तो ना कुछ अलग नहीं हो रही है उसमें इस तरीके से मतलब एक क्वेश्चन को यार तीन अप्रोच से जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है समझ रहे तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ना तो आप क्या क्वेश्चन में कुछ भी मेथड जो है खुद से ही इन्वेंट कर सकते हो बस इसका जो है आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए तो आज के वीडियो में यार हमारी लर्निंग्स क्या थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम में जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रहते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में तो उनके जो है आपको अच्छे से नॉलेज आना चाहिए एलिप्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हाइपरबोला के लिए कैसा होता है ठीक है सर्कल के वेरियस टाइप्स होते हैं तो उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए फिर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है ये चीज देख ली सर्कल ड्रॉ किया फटाफट जो है आंसर दिख गया तो ये जो है आपके टू डी जोमेट्री के क्वेश्चन हो गए ठीक है ना स्ट्रेट लाइन सर्कल्स पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम जो की कॉर्डिनेट जोमेट्री के कॉन्प्ट को इन्वॉल्व करते ये सब में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल है और एडवांस के क्वेश्चन में यार ये कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है तो एडवांस के लिए भी ये चीज बहुत काम की है और लास्ट पॉइंट ये है कि यार मल्टीपल अप्रोचेस जो है वो पॉसिबल रहते हैं एक क्वेश्चन के लिए तो ये चीज तो यार कई बार प्रूव कर चुका हूं मैं अपने वीडियोस के थ्रू है ना आपको बताया कि नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके से सोच सकता है और एक स्मार्ट स्टूडेंट किस तरीके से सोच सकता है तो यार स्मार्ट स्टूडेंट अगर आपको बनना है तो उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी रहेगी ताकि आप खुद से ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जो है इन्वेंट कर पाए तो यही यार इस चैनल का मकसद है कि आप लोगों को इस तरीके से ट्रेन करे कि अब जो आपके 2023 में क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस के उसमें आप जो है अच्छे तरीके से तैयार रहे एंड एडवांस के भी आप करने लगेंगे अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो बस फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो फिलहाल यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा मिलते अगले वीडियो में तब तक केयर एंड गुड बाय